हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि टू टाइप्स में काम करता है। फर्स्ट है नॉर्मल एडजस्टमेंट, सेकंड है उसका मैग्नीफाइंग पावर। डायग्राम्स हमने दोनों बना लिए थे पिछले वीडियोस में। मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स। आज हम इनकी क्या डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट से। तो जब नॉर्मल एडजस्टमेंट लेनी है तो हमने यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। एस्ट्रोनॉमिकल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, मींस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए काम आता है हमें। तो यहां पे जो इमेज है, यहां पे इमेज फोकस पे बनेगी, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज नहीं पता हमें, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा ले लेंगे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से। तो बीटा फाइनल इमेज का एंगल बनेगा, ये फाइनल इमेज है यहां पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अब आप देख लिए यहां पे हमने ट्रायंगल कौन सा लेना है। हमारे पास बीटा और अल्फा के दो ट्रायंगल्स हैं, एक एंगल ये है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी वन, यहां पे हम ए बी सी सी वन ए लिख लेते हैं, सी वन ए एफ ओ, सी वन ए एफ ओ। तो ये हमारे पास हो गया टेन ऑफ अल्फा। टेन अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए एफ ओ अपॉन सी वन एफ ओ, ठीक है। अब बीटा का ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी टू एफ ओ ए। तो टेन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एफ ओ ए अपॉन बेस सी टू एफ ओ, इक्वेशन टू। तो यहां पे लिखेंगे एंगल्स आर स्मॉल, दैट इज टेन ऑफ अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एंड टेन ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो m कितना आ गया हमारे पास, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एफ ओ बाय सी टू एफ टू एफ ओ, यहां पे एफ ओ आएगा, इंटू अल्फा। अल्फा क्या है हमारे पास, ए एफ ओ सी वन एफ। तो ए एफ ओ कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया सी वन एफ ओ डिवाइडेड बाय सी टू एफ ओ, इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर थ्री में वेयर सी वन एफ ओ क्या है हमारे पास, सी वन एफ ओ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। एंड सी टू एफ ओ क्या है हमारे पास, फोकस ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास जो सी वन एफ ओ है इसको हम एफ ओ लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया एफ ई। तो आप ध्यान से देखिए, हमने साइन कन्वेंशन लगाने हैं कि पॉजिटिव कौन सा आएगा और नेगेटिव कौन सा आएगा। अब देखिए दोनों कन्वेक्स लेंस है तो दोनों का फोकस नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकस इस साइड है, मींस बैक पे है। ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है, फ्रंट पे। तो एफ ओ क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब यहां पे जब हम आई लेंस पे आएंगे तो आई लेंस का फोकस भी उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, मींस ऑब्जेक्ट वाली साइड हमने नेगेटिव लेनी है। अगर हम ऑब्जेक्ट वाली साइड नेगेटिव लेंगे तो आई पीस या आई लेंस का फोकस भी उसी साइड है, तो मींस माइनस एफ ई।
तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर ए। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो ये हमारे पास क्या बन गई, रेशो बन गई। रेशो मीन्स एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास लेंस बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये जो एफ ओ है, एफ ओ की फोकल लेंथ ग्रेटर देन एफ ई है। तो अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो इसका मतलब एम हमारे पास नेगेटिव आ गया, जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास एफ ओ लेस देन एफ ई आता तो यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आना था। तो ये नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है कि द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालना विद फाइनल इमेज। तो ये मेरे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जहां पे हमारे पास ये फाइनल इमेज बनती है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इमेज थी। ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है, तो मैंने आपको बताया था कि हमने ये मेजर करके लेनी है। तो ऑब्जेक्ट का एंगल हमारे पास अल्फा ए बन गया, ये हमारे पास बीटा एंगल बन गया फाइनल इमेज का। यहां पे हम सी वन ले लेते हैं और ये हमारे पास हो जाता है सी टू। ठीक है, सी वन सी टू। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली वैसे ही हमने इसी फॉर्मूले में पुट करना है एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ट्रायंगल लेंगे हम, पहले हम ट्रायंगल लेंगे अल्फा का ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल अल्फा का जो ट्रायंगल है सी वन बी डैश ए डैश, तो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डैश सी वन, इक्वेशन नंबर वन। तो इन ट्रायंगल बीटा का ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये बीटा का ट्रायंगल ये बनेगा, इन ट्रायंगल बी डैश सी टू ए डैश। तो टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस बी डैश सी टू। तो यहां पे लिखेंगे एंगल्स आर स्मॉल, देयरफॉर टेन ऑफ अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एंड टेन ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। तो इसका मतलब इक्वेशन वन और टू में टेन हट जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने यहां पे पुट करनी है, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, नीचे रेसिप्रोकल चला गया, ए डैश बी डैश सी वन। तो ये ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया बी डैश सी वन अपॉन बी डैश सी टू, इक्वेशन नंबर थ्री। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए कि हमारे पास बी डैश सी वन कितना है, बी डैश सी वन, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ है एफ ओ, विच इज एफ ओ विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, और बी डैश सी टू क्या है हमारे पास, बी डैश सी टू, ये हमारे पास डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, डिस्टेंस क्या है u, किसका u है, ये आई लेंस का u है, यू ई दैट इज माइनस यू ई। ठीक है,
मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वैल्यूज पुट की है, बी डैश सी वन हमारे पास एफ ओ है, बी डैश सी वन हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस है जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, और बी डैश सी टू हमारे पास यू ओ है, आई लेंस की यू ई सॉरी आई लेंस का ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ए। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द फाइनल इमेज, एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ठीक है, अब हम आगे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो जब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पे हमें एफ ओ अपॉन यू ई चाहिए, एफ ओ अपॉन यू ई। तो हमें आई लेंस के अकॉर्डिंग यू ई लगाना है यहां पे यू ई। तो हमारे पास जो वी था फाइनल इमेज वो हमारे पास क्या आती थी, डी। अब ये जो फाइनल इमेज है ये भी ऑब्जेक्ट वाली साइड ही है, ये जो फाइनल इमेज है ये भी इसी साइड है। अगर इमेज इस साइड बनती, ये वाली जो फाइनल इमेज है ये ऑब्जेक्ट वाली साइड ही है, मींस लेफ्ट साइड है। अगर ये फाइनल इमेज दूसरी साइड बनती तो हम यहां पे लिखते दैट फाइनल इमेज इज पॉजिटिव, तो वी ई इज इक्वल टू डी विद नेगेटिव साइन। अब यहां पे वी ई को हम माइनस डी ले लेंगे, तो ये बन गया माइनस वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई। तो माइनस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। ठीक है, तो यहां पे हमने ये भी लिखना है कि यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यू की वैल्यू भी यहां पे नेगेटिव पुट करनी है, मींस माइनस माइनस वन अपॉन यू ई, तो ये प्लस हो गया वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। तो ये वन अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसमें से वन अपॉन एफ ई बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, वन प्लस एफ ई अपॉन डी बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन यू। ठीक है, मैंने क्या किया, यू ही ऐसी बाहर रख लिया और यहां पे वन अपॉन एफ ई कॉमन निकाल लिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास होगी बी। अब इस बी इक्वेशन को वन अपॉन यू ई की वैल्यू को हमने यहां पे ए में पुट करना है। जब मैं यहां पे ए में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई अपॉन टी। दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पे क्या लिखेंगे, एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है यहां पे, जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है ये बहुत बड़ा है आई लेंस से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव साइन क्या शो करता है, वही सेम चीज शो करता है, द फाइनल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमने क्या किया, आज हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ये दोनों के डेरिवेशन ड्राइव किए हैं, ये हमारे पास दो फॉर्मूले और तैयार हो गए हैं, तो ये आपने प्रैक्टिस करने हैं दोनों, और ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये हर साल आता है एग्जाम में मैक्सिमम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। ठीक है, थैंक यू।